हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक बैग है जिसमें 6 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। क्या किया है? सबसे पहले एक डाई को रोल किया है एक ही बार, और उसमें जितना नंबर आया है उसी के बराबर नंबर ऑफ बॉल्स जो है आपने बैग से निकाली है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल्स आपने निकाली है वो व्हाइट बॉल्स है। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझेंगे? तो ऐसे समझें कि सबसे पहले डाई में आ गया 1। ध्यान रखना, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 4 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6। तो देखिए अब क्या हुआ होगा। मान लें कि आपने डाई को रोल किया और डाई में आ गया 1, तो फिर तो वो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या किया आपने? बैग से एक व्हाइट बॉल निकाली, तो टोटल बॉल तो 10 है, तो इसका मतलब 10 में से आपने एक निकाली और वो व्हाइट है, तो व्हाइट के लिए हम क्या लिखेंगे? फेवरेबल 6C1। ये क्लियर हो गया होगा। फिर लगाएंगे प्लस। प्लस का मतलब ये भी हो सकता है, या फिर हिंदी में या बोलते हैं, या फिर मान लेते हैं आपने डाई को रोल किया और नंबर 2 आ गया। डाई में जो है 2 आ गया, तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले 1/6। अब 2 आ गया तो आपने क्या किया? 2 बॉल्स निकाली, तो नीचे आ जाएगा 10C2। 2 बॉल्स निकाली और दोनों की दोनों व्हाइट है, तो वो हो जाएगा 6C2। या फिर डाई में आपके पास आ गया 3, तो 3 के आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? 1/6। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है? 3 बॉल्स निकालनी है, तो टोटल में से 3 बॉल निकालोगे तो 10C3, और फेवरेबल में से निकालोगे तो 6C3। या फिर सपोज डाई में जो है 4 आ गया, तो प्रॉपर्टी 4 के आने की होगी 1/6। टोटल बॉल में से आप 4 निकालोगे और जो आपके पास व्हाइट बॉल्स है उसमें से भी आप 4 ही निकालोगे। मान लेते हैं अब आ गया आपके पास 5, डाई में नंबर 5 आ गया, तो उसके आने की प्रॉबिलिटी 1/6 होगी, तो टोटल बॉल में से आपको 5 बॉल्स निकालनी है, जिसका मतलब है कि जो 6 व्हाइट है उसमें से आपने 5 व्हाइट बॉल निकाली है। या फिर नंबर 6 आ जाता है, तो उसके आने की प्रॉबिलिटी 1/6 होगी, और 10 बॉल्स में से आप 6 बॉल निकाल रहे हो, मतलब कि 6 व्हाइट बॉल में से आप 6 व्हाइट बॉल निकाल रहे हो। तो अब आप ये देख सकते हैं, इन सबको आप सॉल्व करेंगे। 1/6 यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं। अब एक एक करके आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/10। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/45। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20/120। देन इसको सॉल्व करने वाले हैं आप, ये आ जाएगा 15/210। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/42, और एट लास्ट इसको सॉल्व करने वाले हैं आप, ये आ जाएगा 1/210। ठीक हो गया। अब आपका काम क्या है? इन सबको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर इन सबको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एट लास्ट 126/105 आएगा। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा आपका। आप इसके बाद खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच करता है।